हरियाणा जीत के बाद पीएम का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, हिंदू समाज में आग लगाती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा, मुस्लिम धर्म में जाति क्यों नहीं देखती कांग्रेस, सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति देखती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की नीति हिंदू जातियों की को लड़ाने की है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। और मुंबई के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को अच्छा बनाने के लिए हम सबको जागना होगा। हमको अच्छा बनना है, अपने देश को अच्छा बनना है, हम सबको जगना है, देश को जगाना है। स्वयं अब जागकर हमको जगाना देश है अपना, यह हमारे सामने काम है। उसी के लिए पढ़ाई है, उसी के लिए जीवन है, उसी के लिए परिवार की सुरक्षा है, सब कुछ इसके लिए है। ये ध्यान में रखकर आज की स्पर्धा का हम विचार करें, परंतु आपस में जुड़ जाने की, दोस्ती करने की ये जो कला है, और ऐसी दोस्ती का उपयोग स्वार्थ के लिए न करते हुए देश के लिए करने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण देश का और करने वालों का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। महत्व होता है जीवन किस लिए जिए और जीवन कैसा जिए। 1857 में जो लड़े, उस समय तो स्वतंत्रता मिली नहीं, वो तो हार गए, लेकिन आज भी हम उनकी कीर्ति गाते हैं, क्योंकि 1857 में वो नहीं लड़ते तो 1947 में हम स्वतंत्र नहीं होते। और हरियाणा में बीजेपी की जीत की गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। जहां सत्तारूढ़ महायुति उत्साह से लबरेज है, वहीं महाविकास अघाड़ी में सिरफुटवल शुरू हो गई। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के महायुति गठबंधन में नई ऊर्जा भर दी है। महायुति को महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी जीत की उम्मीद दिख रही है। महायुति के नेताओं ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के झूठ का पर्दाफाश महाराष्ट्र में भी होगा और उसका फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। कांग्रेस को कोसने वाले और अकेले लड़ने की नसीहत देने वाले संजय राउत के बारे में कैबिनेट मंत्री शंभू राजे देसाई का कहना है कि राउत को और यूबीटी को सिर्फ सीएम पद से मतलब है। ये सोचने का वक्त महाविकास आघाड़ी के बाकी लोगों को, बाकी पार्टियों का है कि उबाटा के नेताओं का जो स्टेटमेंट आता है वो महाविकास आघाड़ी को फायदेशीर है, फायदेमंद है, या महाविकास आघाड़ी को डैमेज करने वाला है। बार बार महाविकास आघाड़ी के बाकी पक्षों ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का या महायुति महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व कौन करेगा ये इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार यहाँ पे उबाटा के नेता कहते हैं कि इसके बारे में आप निर्णय लो।